इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। रोज बनते हैं हजारों ही बिगड़ते हैं, जो बुद्धिहीन होते हैं वो लक्ष्मी पा करते हैं। जीवन में हम बोलते हैं हमें कर्मों से मिला है, अरे कभी निराश मत होना, जो पहले किया था वो अब मिला है, जो अब करेंगे वही आगे मिलेगा, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही भेदेते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। ध्यान रखना, अन्य मत तो कहता है कि परमात्मा हमारी किस्मत को बदलता है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान ने बुरा किया, जितने काम अच्छे होते हैं वो कहते हैं हमने बहुत मेहनत की, हमने बच्चे को इतना काबिल बनाया, हमने पढ़ाई की, हमने लिखाई की, हमने व्यापार किया, हम जीरो से हीरो पर पहुँच गए, लेकिन जितने दुनिया के बुरे काम होते हैं वो सब भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान ने बड़ा बुरा किया, भगवान ने व्यापार नहीं चलाया, भगवान ने किस्मत ने साथ नहीं दिया, सामने वाला बेईमान था, हम यही सोचते हैं और यही हमारे एकाकीपने को जन्म नहीं देता है। हम हमेशा दूसरों पर बुराई डाल देते हैं, यदि हमें लाभ होगा तो हम कहते हमने बड़ा पुरुषार्थ किया, और यदि दूसरे को लाभ होगा बोले भगवान तो पापियों के घर भर रहा है, भगवान में तो शक्ति नहीं रहा, देखो पापियों को क्या फल फुला रहा है। ऐसा मत सोचो कि परमात्मा करता है, यहाँ तुम्हारा नौकर भी काम से थक जाता है, दिन भर कोई काम करे तो तुम्हारा मुनीम भी थक जाता है, परमात्मा ऊपर बैठ कर यही करता होगा क्या कि किसी के घर में बुरा और किसी के घर में भला करता होगा? अरे परमात्मा ऊपर बैठा ये हिसाब नहीं करता है, परमात्मा तो परम आनंद की अवलोकन की अनुभूतियों में रहते हैं और हम हैं बाहर पर पदार्थों की अनुभूतियों में। अनुभूतियों में भी क्या कहो, वो अनुभूतियाँ थोड़ी कही जाएंगी, वो तो दुख की स्मृतियाँ हैं। जीवन में फूल भी हैं और कांटे भी हैं, जो अपने आप को देखते हैं उन्हें कांटे भी फूल लगते हैं, उन्हें अपमान भी सम्मान लगता है, उन्हें बेड़ियां भी आभूषण लगते हैं। अपने आप को देखने वाले आचार्य मान तुंग जी जेल में गए तो भी परमात्मा की उत्कृष्ट आराधना करते हैं, ये है धर्मात्मा की पहचान कि कोड़ी है। बाजराज मुनि को कोड़ हो गया था, अपने शरीर का ध्यान नहीं था, क्योंकि कहा एको हम निर्ममो शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्य संयोगता भाव मत्ता सर्वे पिपुत गला। कहते हैं कि ज्ञानी जीव तो बाह्य संयोगों में अपना ध्यान ही नहीं देता है, वो तो जानता है कि ये शरीर भी एक दिन छूटेगा, संपत्ति भी छूटेगी, संबंधी भी छूटेंगे, क्योंकि आदमी चार चीजों की चिंता करता है, पद प्रतिष्ठा प्रशंसा और परिवार की, और सब छूटते हैं
लेकिन एक जो चीज साथ में जाती है उसकी कभी चिंता नहीं करता है। हमारे परिणाम साथ में जाते हैं, परिणामों को हम प्रतिदिन किधर लगाते हैं, फिर दूसरों को दोष देते हैं। लोग कहते हैं तीव्र कर्म का उदय हो तो कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता है। अरे इससे तीव्र कर्म का उदय क्या होगा कि लोहे के आभूषण गर्म करके पहना दिए गए, लेकिन अपने आत्मा में लीन थे तो परमात्म पद पा गए। और ध्यान रखना, जो परमात्म पद नहीं पा पाए, जिनको थोड़ा सा पर का ख्याल आ गया, वो सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। सुकमाल सुकोसल आदि के बारे में ध्यान आता है, हमें तो मच्छर काट जाए, सच्चाई यही है। तो ध्यान परमात्मा से हटकर मच्छर में चला जाता है। एक भाई साहब पूजा कर रहे थे, बार बार पीछे देख रहे थे। हमने कि भाई साहब भगवान तो सामने, पीछे क्या देख रहे हो? बोले आज अच्छी चप्पल पहन के आया। सच्चाई है, क्योंकि हम मंदिर में भी क्या देखते हैं, हम परमात्मा को देखते हैं या आपको लग रहा होगा कैसा आदमी था। हमारा दिल भी परमात्मा का मंदिर है, हम इसमें क्या देखते हैं? पदार्थ चप्पल जूतों से ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ उपभोग करने की चीज है। परमात्मा के मंदिर में आते हैं तो सब संग परिग्रह निसंग होकर आते हैं। इसलिए आप लोग निस्सही बोलते हैं कि भगवान परिवार में, व्यापार में तो मुझे लोगों का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो तुम जैसा होने आया हूँ। क्योंकि कहते हैं मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, धन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। कब तक गाते रहोगे? रोज पूजा में पढ़ते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। हमने कहीं कभी घर पे मिट्टी का तेल डाला है आग लगने पर? कितना बेईमान आदमी है। क्योंकि बोलते माता जी कौन सी माला फेरे, हमने कहीं कोई सी माला फेरो, क्योंकि मन की गहराई का कोई माप नहीं होता, और जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन को हमने क्या बना दिया है कभी विचार करना, फिर पूरे दिन दूसरों को दोष देते हैं, इसने मेरा बुरा किया। कहते किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सकी, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम कितनी बुराइयां लेते हैं दुनिया में, इसी दुनिया में, इसी संसार में। कुछ वो ऊर्ध्वगामी जीव हुए जिन्होंने परमात्म शक्ति पाली, संसार को व्यर्थ जाना तो परमार्थ को पा लिया, संसार को असार जाना तो सार को पा लिया। हम हैं कि सार को भी असार बनाने में लगे। हम गंदगी इकट्ठी करते हैं और बंदगी के गीत गाते हैं। आपकी हालत तो उस तरह से, एक व्यक्ति को दया आई, कहने लगे तोते का शिकार कर देते हैं लोग, तोते बहुत समझदार होते हैं, कुछ सिखाऊंगा तो जरूर सीख जाएंगे। उसने तोतों को सिखाया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, मत जाना मत खाना और भूल कर भी मत बैठ जाना। सारे तोते गा रहे थे आराम से बैठकर, बहेली आया और उसने सोचा आज तो सारे ज्ञानी हो गए, एक भी नहीं आएगा मेरे जाल में। लेकिन आपको ध्यान रखना, मंदिर के मामले में तो तुम बरक के निकल जाते हो, और घर के मामले में सोचते हो एक बार काम करके तो देखो बिगड़ेगा तो दोबारा कर लेंगे। ऐसे ही होता ना, कोई काम नहीं आता है फिर भी करते हो, कहने लगे कोई नहीं सीख जाएंगे, ऐसे करते करते आदत पड़ जाएगी। बेईमानी भी तुम ऐसे ही कर लेते हो। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं सीख लूंगा, और वो सब गा रहे थे फिर भी उसने एक बार अपना जाल बिछा दिया और कहा देखता हूँ आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उठा के चला जाऊंगा जाल। और सारे तोते गा रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो जाएगा फंस जाएगा, भूल से मत जाना
और नहीं तो जिंदगी को गवाना पड़ेगा। सब गा रहे थे, जाल पर बैठते जा रहे थे और बैठकर भी वही गा रहे थे। हम और आप भी रोज पढ़ते हैं, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला। कब तक बुझाते रहोगे? यही गाते रहोगे और यही इसी पर बैठते रहोगे। चिंता मत करो, हमेशा सोचो मेरे बीज थे। एक सोनम नाम का व्यक्ति हुआ, वो किसी चर्च में जा रहा था और उसे पत्थर लग गया तो खून बहने लगा और वो कुछ स्मृति में आनंद से झूमने लगा। तो लोगों ने कहा तुम पागल हो, अरे पैर से खून बह रहा है तुम्हारे और तुम क्या कर रहे हो, खुश हो रहे हो? कहो कि अब नहीं आएंगे तुम्हारे दरबार में, तुमने ठोकर और लगा दी। तू इतनी सी ठोकर नहीं बचा पाता, दुनिया की ठोकर क्या बचाएगा? तू एक पत्थर से हमें नहीं बचा पाया और ज्यादा क्या बचाएगा। तो उसने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगे धन्यवाद दे रहा हूं कि एक आध कर्जा था उसने आज वो भी निपटा दिया। इस कर्जे को लेकर कब तक जाता, कहां तक ढोता, आज एक आखिरी कर्जा था वो भी निपट गया। उसने मेरी नजरों को ऐसा कर दिया कि अब मुझे बुराई भी भलाई दिखती है। क्योंकि ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी नजर ऐसी हो जाएगी उस दिन तुम्हें गाली देने वाले पर भी दया आएगी कि इसने देखो बेचारे ने मैं निमित्त बन गया, इसको कितना दुख उठाना पड़ रहा है। क्योंकि बिना बारूद के विस्फोट नहीं होता है। तुम किसी को गाली प्रेम में नहीं दे सकते हो, तुम्हारे अंदर होना चाहिए। इसी प्रकार से बिना राग के बंद नहीं होता है कोई पदार्थ जग में, बुरे ना अच्छे ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा ना राग जब लो तब लो न बंद, इसलिए उदय से तू बीत रागी बन। हम खाना छोड़ देते हैं तो कई बार बात चलेगी, जब जब बात चलेगी बोले हमने खाना छोड़ दिया, आज तो खाना नहीं है ना कुछ, आज तो खाना नहीं है। अरे खाना दिमाग से कहाँ गया? तुम कल तक नोट गिनते थे, हम माला गिनने लगे। लेकिन माला तो जब सार्थक हो जाएगी, जब मन परमात्मा की भक्ति में ऐसा डूब जाए कि तुम्हें कोई ख्याल नहीं आए। अभी की बात है, एक बनारस के कुछ दिन पहले की, 100 साल पहले की बात होगी, बनारस के सबसे पहला उसी का ऑपरेशन हुआ था बनारस में। कहते हैं एक व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि बेहोश तो करना पड़ेगा। उसने कहा बेहोश करने की जरूरत नहीं, गीता का पाठ करूंगा, तुम ऑपरेशन कर लो। अभी 3 महीने पहले की बात है, एक लड़की को 17 टांके आए हैं सिर में और उसी दिन वो दीक्षा लेने चली गई है। डॉक्टर ने भी कहा, तो आपने सोचा क्यों ये सब क्या होता, जब हमारा उपयोग कहीं दूसरी जगह लग जाए तो वेदना बहुत कम हो जाती है। तो ये तो भारी कमजोरी है, उपयोग नहीं टिक पाता है। तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया, अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम हला हल हाय पिया। ये तो भारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी है, हमारी असाध्यता है कि हम परमात्मा की पूजा का विसर्जन कर जाते हैं। जानबूझकर करना पड़ता है क्योंकि तुम संसार में हो, तुम्हें संसार के काम भी करना पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा हर कृत्य पूजा हो जाए। क्योंकि हम तो अकेले कहते ही हैं आकिंचन ना किंचना इति आकिंचना, किंचित पर पदार्थ मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, ये रोम समूह भी एक झिल्ली पर टिका है, फोड़ा हो जाएगा तो रोम समूह का भी पता नहीं चलेगा। सोचना जब ये तन भी मेरा नहीं है तो कौन मेरा है? क्योंकि कहते हैं कि फेंक देते फूलियों खुशबू निकल जाने के बाद, तन नहीं छूता कोई चेतन निकल जाने के बाद। तो जो कुछ पर पदार्थ मिलेंगे यहाँ संयोग है, बिखर जाएंगे। एक लड़की की शादी हुई फेरों के टाइम ही पति का
देहावसान हो गया। और ध्यान रखना, घर के लोग बहुत रो रहे थे, बहुत बुरा हाल था। उसने कहा कि रोने की जरूरत नहीं। माँ ने कहा, बेटा ज़्यादा सदमा लग गया, अच्छा हुआ कि अभी तेरे फेरे नहीं पड़े थे। उसने कहा, पड़े या नहीं पड़े ये तो छोड़ो बात, लेकिन मैं मन से पति मान चुकी थी। और रही बात कि अच्छा हुआ, 50 साल और 40 साल में क्या फर्क पड़ता है, समय तो वैसे भी गुजर जाता है। मैं अच्छा हुआ कि बंधने के पहले ही मुक्त हो गई, बंधन को स्वीकार ही नहीं किया, और अब मुझे जीवन की हकीकत का पता चल गया। अब आत्म उत्थान करूंगी। आपको पता होगा सुपार्श्वती माता जी आदि, जिन्होंने मुझे 2.5 साल की उम्र में कहा था कि दुनिया की कोई ताकत साधु बनने से नहीं रोक सकती है, और आज मैं उन्हें नमन करती हूँ कि राग ऐसी चीज होती है, राग याग दगे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र, श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर कानपुर उत्तर प्रदेश, श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर राजस्थान, श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन खेत वाले परिवार प्रधान दिगम्बर जैन समाज गन्नौर हरियाणा, भगवान आदिनाथ दिगम्बर जैन मंडल डोमीवली महाराष्ट्र, परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समीध शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00002501।